हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 555 के बारे में कि एंजल नंबर 555 अब आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है, देखिए आप एंजल नंबर्स के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं अभी एंजल नंबर 555 के बारे में वीडियो बना ही रही थी, तुरंत मुझे एक नोटिफिकेशन आया है एंजल नंबर 555 पर। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। थैंक यू। सबसे पहले मैं ही एंजल्स को थैंक्स बोल दूँ। थैंक यू एंजल्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब मैं बात करती हूँ एंजल्स नंबर 555 के बारे में। अगर आपके बार बार ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो सिचुएशन जैसी मर्जी भी है, कुछ मर्जी हो रहा है आपके साथ, डजंट मैटर, कोई चीज़ कुछ भी, मतलब कुछ भी हो रहा है, बट आपका थॉट प्रोसेस अब पॉजिटिव हो चुका है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ सकती है, बट अब आपको उसको एकदम से हटा कर के उठना आ चुका है। एनर्जी, आप पुरानी एनर्जी को फील करें। कई बार आपके सामने ना ऐसी एनर्जी आ जाती है, आप सोचते हैं कि ये एनर्जी मेरे साथ तकरीबन 4-5 साल पहले भी थी। आपको फील होगी वैसी एनर्जी, वो चीज़ें आपको फील होगी, बट उस समय जो वो एनर्जी थी, उसमें आपका जो थॉट प्रोसेस था वो नेगेटिव था। आप ये सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा ही चलेगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, मेरी लाइफ ख़राब होगी है। बट अब जब वैसी ही नेगेटिव एनर्जी अब आपके पास आ रही है, तो अब आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है, नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत बेहतरीन हो रहा है। आप हमेशा गॉड के लिए थैंकफुल होते हैं। जब भी एंजल नंबर देखते हैं, आप थैंकफुल होते हैं, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। एंजल नंबर 555 आपको यही बताते हैं कि जैसे जैसे आप अपने माइंड प्रोसेस को पॉजिटिव करते जाएंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव करते जाएंगे, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव करते जाएंगे, आपके जो थॉट प्रोसेस है उनको जैसे जैसे आप पॉजिटिव करते जाएंगे, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव सोचते जाएंगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिलेशनशिप माने 10, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका रिलेशनशिप 5-6 साल से ख़राब चल रहा है, तो कम से कम अपनी पॉजिटिविटी थॉट्स लगाकर उसको कम से कम हील होने में ना 3 या 4 साल का समय लग सकता है। ये नहीं है कि कोई जादू की छड़ी या चुटकी बजाया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप सोचिए, इतने दिनों से कोई गंदी चीज़ पड़ी थी, नेगेटिविटी से हमने अपनी चीज़ों को ख़राब किया हुआ था, जब हमें नहीं पता था कि ये चीज़ें ऐसे ख़राब होती हैं। अब आपने उन थॉट प्रोसेस के जरिए, अपने पॉजिटिव थॉट्स के जरिए, राइट एक्शन के जरिए आपने उन चीज़ों को ठीक करना है, उनकी हीलिंग करनी है। ठीक है, सिचुएशन जैसी मर्जी भी, अब आपने सब चीज़ों को हील करना है, हीलिंग देनी है। लोग आपके पास नेगेटिव हैं, तो अब आपने भले ही मुँह से ही उनके साथ आपने कह देना ये चीज़ यहाँ गलत है, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, बट आपने उनको हीलिंग देनी है। मन ही मन की आप सभी पवित्र आत्माएं हैं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इस तरीके की आपकी थॉट प्रोसेस अगर है, तो आप देखेंगे थोड़े ही समय में जो आपकी मैरिड लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे आपका सिस्टम ठीक बनना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से ये एंजल नंबर काम करते हैं, और एंजल नंबर 5 बहुत बड़े चेंज का नंबर है। ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत मिरेकुलस तरीके से चेंज आएगा। वो चेंज ऊपर से जादू की छड़ी से नहीं आएगा, वो चेंज आप में, आपके जब थॉट्स प्रोसेस चेंज होंगे ना, जैसे जैसे आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, तो आप खुद चेंज हो रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट ऐसे ऐसे चेंज होगा। ठीक है, सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी, जैसे जैसे आपका माइंड चेंज होगा वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती शुरू हो जाएंगी। तो एंजल्स आपको यही बताते हैं, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, सिचुएशन जैसी आए पूरी हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उसे हैंडल करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएँ। आपके जीवन में बहुत सुंदर बदलाव आने वाला है। थैंक फॉर वॉचिंग।